हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टडी फंडा नोट्स को कैसे आपको जो है रिवाइज करना है 15 दिन के अंदर। ठीक है, देखिए आपको पता है सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कुछ सब्जेक्ट्स को जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ, एनवायरमेंट की अगर बात करूँ, उन सब्जेक्ट के मुकाबले जो है अकेला साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब साइंस के लिए डिफरेंट सोर्सेज आपने पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ते होंगे, एनसीईआरटीज हैं आपकी 6ठी क्लास से 10वीं क्लास के एनसीईआरटीज हैं, 5 एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके बाद आपके 30 क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, उसके अलावा भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी से भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इतनी एनसीईआरटी को एक साइड करो, सिर्फ एक सिंगल बुक है आपके सामने ये। ठीक है, ये स्टडी फंडा के नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, कैसे इनको आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो नोट्स देख के आपका मन जो है ललचा जाएगा, बिल्कुल कलरफुल नोट्स है, हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है सब आपके लिए हाईलाइटेड है। सबसे अच्छी बात जो इन नोट्स की मुझे लगती है वो ये है, सारा डाटा अलग अलग बुक से कंपाइल होकर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही बुक के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एरिया वॉल्यूम वगैरह मिलेगा, यहाँ पे मैंने ड्राइव यूनिट भी लिखी है, इसके ऊपर डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि मोमेंटम का बताइए फॉर्मूला आपका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है आपका इस तरीके से आपको ब्यूटीफुल डायग्राम देखने को मिलेंगे, जिसमें आप क्लियरली आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। प्रॉपरली हमने यहाँ पे आप न्यूमेरिकल भी, इवन देखो यार नोट्स ही है, नोट्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखाया कि एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, इसके बेस पे ये जो है आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से अपना प्लान बनाओ विद एग्जांपल, आपको समझ में आए कि यार फ्रिक्शन जो है क्या होता है, कैसे जूते फटते हैं फ्रिक्शन की वजह से, कैसे टेबल पे जो है काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपके सारे के सारे पैरामीटर्स दे दिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे मेजर करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे ग्रेविटी वाला चैप्टर है, कोलिजन पावर, हर एक जो चीज़ आपके एग्जाम में जो आती है सब कुछ इसके अंदर है। मैं सच बता रहा हूँ, इन नोट्स की कीमत आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, और मैं ये कहूँगा कि हमारे नोट से इतने क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, इजिली सच बता रहा हूँ, अगर आपने सिंसियरली 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ी है, इन नोट्स को साइंस के आप इजिली 3 दिन में कवर कर सकते हो बहुत प्यार से। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ये उनको भी हेल्प करेंगे नो डाउट, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना किसी चीज़ की, आपने कुछ चीज़ को समझा है, रिवाइज करने में वो टाइम आपका कम होता चला जाता है। एक बच्चा वो है जो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ रहा है, एक बच्चा वो है जो 10वीं बार किसी चीज़ को पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में अगर आपको 20 दिन किसी चीज़ में लग रहे हैं तो 10वीं बार जब आप पढ़ोगे तो वो कुछ घंटों में आ जाएगी वो चीज़। ठीक, सेम वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी हुई है प्लीज़ गो फॉर दिस नोट, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला है, अपनी पूरी जिंदगी की जो नॉलेज मेरे पास है वो मैंने इसके अंदर डाली है। उसके बाद इसमें आप देखोगे फिजिक्स वगैरह सब जो है 50-40-50 पेज में फिजिक्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है प्योरली, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। सही, ये वाला डायग्राम है, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी एनसीईआरटी बुक में, मैंने खुद डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे आप देखो, ब्लड को मैंने यहाँ पे रेड किया है, स्टमक के एसिड को मैंने यहाँ पे रेड किया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यहाँ पे रेड किया है, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली ऑलरेडी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, CDS के अंदर, NDE के अंदर ऑलरेडी इनके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, जब आपको ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पहले एग्जाम में आया है, तो यहाँ पे NCERT में लगता है आपको कहीं लिखा मिलेगा चीज़, कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ये वाली चीज़ है, जैसे नेम ऑफ एसिड है यूज्ड इन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, CDS, CAPF, NDE, कोई भी एग्जाम उठा के देख ला, एक क्वेश्चन हर बार गारंटी आता है। इस बार CAPF का एग्जाम हो जाएगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा इस वाले पेज से। ठीक है, तो इतने ब्यूटीफुली डिजाइन हमने नोट्स को किया है, तो आप इनको डेफिनेटली रेफर करिए अपने रिवीजन के लिए, आपको बहुत एडवांटेज होगा। और ये वाला पेज ऐसे इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड फैक्ट वाला जो है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये देखो ये आपके सामने ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इवन मैंने एग्जाम भी लिखा है, ऐसे विनेगर है, CDS और NDE में बहुत बार पूछा गया है कि विनेगर को जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे मैंने यहाँ पे सचारिन लिखा है, CPA 2017 के अंदर आपको पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर सारे जो है रेड के अंदर हाईलाइट किए, ड्राई आई, जिप्सम, हैवी वाटर, क्विक लाइम, TNT, ये सब हाईलाइटेड पोर्शन वो है जिसके ऊपर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और बाद में भी आएगा। CAPF के अंदर 2020 के अंदर या 2021 के अंदर जो है विटामिन सी का बारे में पूछा था कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ था आपका विटामिन सी, तो ये आपका जो है डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके एलोइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा बायोलॉजी देखोगे, बायोलॉजी में डायग्राम से आपको सब कुछ चीजें समझ में आएंगी, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पैरेन्काइमा देखेंगे, इसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं उसको मैंने हाईलाइट करके इसके अंदर रखा है, ठीक है। उसके बाद कोलेनकाइमा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको, क्योंकि मुझे पता है आई हैव गोन थ्रू मोर देन 10,000 क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स लाइक सीएपीएफ सीडीएस एनडीए, तो वो जितने भी क्वेश्चंस के गो थ्रू मैंने किया सबके कीवर्ड मेरे दिमाग में है, उन सब कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको जो है हाईलाइट किया। अब देखो ये बच्चा कोई भी बता सकता है कि जाइलम फिलोम के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जाइलम फिलोम का मैंने प्रॉपर लिखा है कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, ठीक है। यहाँ पे फ्लोम का आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है फ्लोम ट्रांसपोर्ट फूड, क्वेश्चन सीधा आएगा फ्लोम का काम क्या होता है, ठीक है। यही चीज आपको पढ़नी है। आप खुद सोचो कि एक तो एनसीईआरटी आप 6-7 एनसीईआरटी इधर उधर उठा के डोलोगे, एक सिंपल से छोटी सी बुकलेट आप जो है पढ़ रहे हो, तो ज्यादा एडवांटेज किसमें है, रिविजन के लिए आपको बेस्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद सेम चीज है पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में भी ऐसा ही है, सिर्फ और सिर्फ 110 पेजेस के आसपास के नोट्स हैं, ब्यूटीफुली डिजाइन ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, अगेन हाइलाइटेड कंटेंट आपको मिलेगा इसमें विद टेबल। अब जैसे ये वाला है फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स, ये वाला टेबल पे क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, मैंने इसको कलर में डाल दिया कि हाँ यार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो उसके टेबल का कलर दे देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के उसमें देखिए जिन बच्चों ने नोट्स परचेज किए हैं उनको पता है इनकी वैल्यू क्या है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लास्ट के कुछ पेजेस में मैंने ना टेबल्स डाल दिए, जैसे इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, लोअर कास्ट मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका अर्ली एसोसिएशन है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, देखो आपके सामने ही है, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। धर्मसभा सीएपी 2021 में आया, धर्मसभा सेम सीडीएस 2023 के अंदर भी आया है, सीडीएस 1 थियोसोफिकल सोसाइटी के ऊपर आ चुका है, सेवा समिति सीडीएस 1 के अंदर आपका आ चुका है, जितने भी हाईलाइटेड कर रखे हैं ना रेड कलर येलो कलर, नासिक कॉन्स्पिरेसी पे आ चुका है आपका, लाहौर कॉन्स्पिरेसी पे आ चुका है आपका। यहाँ पे देखिए आपका कोरी ट्रेन के ऊपर सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे न्यूज़पेपर दिए हुए हैं, यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट दिए हुए हैं, पबना रिवोल्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। एका मूवमेंट के ऊपर आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सेटलमेंट का सीपीओ 2022 में पता नहीं 21 में क्वेश्चन आया था, पूछा था अलग अलग सेटलमेंट किस किस ने उसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी बैटल आपकी हुई है वो सब इसके अंदर मैंने डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि सर कहाँ से पढ़े, हर एक इंपॉर्टेंट चीज आर्ट एंड कल्चर में जो आपकी आ सकती है वो मैंने इसके अंदर मेंशन की है। डांस फॉर्म के ऊपर हमने डाटा इसमें डाला है। उसके बाद बुक से हर बार एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जैसे सीडीएस का एग्जाम हो चाहे सीएपीएफ का एनडीए कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बुक्स के नाम, यहाँ पे उनके ऑथर के नाम हाईलाइट कर रखे हैं। विशाखा दत्ता के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है, मेघदूत शकुंतला मालवाकिनी मित्र ऋतु संहारा प्रियदर्शिका महाभाष्य की जो है किसने लिखी है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, राज तरंगिनी, सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इन सबको मैंने कंपाइल किया आपके सामने है, 3 पेजेस में है, बिलीव मी एक बार रिजल्ट आने तो मैं बता रहा हूँ सीएपीएफ का एग्जाम एक बार हो जा रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें पूरा फाइल आपको बना के दूंगा, ये क्वेश्चन देखिए हमारे नोट्स में से इधर से आया, ठीक है। उसके बाद टेंपल से क्वेश्चन आपका आता है, वो भी हमने इसमें कंपाइल किया है, ये जितने भी टेंपल से क्वेश्चन है, सीएपीएफ एसी 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था बृहदेश्वरा टेम्पल के ऊपर कि कहाँ पे है, वो हमने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा विरूपक्षा के ऊपर सीडीएस के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे टेम्पल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वो भी सब हमने इसमें डाले हैं। पेंटिंग्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आया है, उसके बाद स्कूल ऑफ आर्ट जो है उनके ऊपर क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ये हिस्ट्री होगी। डिफेंस पूरे इंडिया में सीएपीएफ फ्रेटर्निटी सीडीएस एनडीए इन सब के अंदर डिफेंस का कोई कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। स्टडी फंडा ने सिर्फ और सिर्फ जो है कंटेंट तैयार किया है, कितना 40 पेजेस के अंदर है पूरा का पूरा। जो बच्चा एसएसबी दे रहा है, रिटर्न क्वालिफाई कर रहा है, जो भी है, हर एक चीज आपको मिल जाएगी इसमें। ये इन्फॉर्मेशन इतनी स्कैटर है कि एक जगह डालने में मुझे कम से कम 15 दिन का इसमें टाइम लगा, कौन सा प्लेन क्या कुछ। पिछली बार 8 क्वेश्चन आपके सीडीएस में और सॉरी सीएपीएफ के अंदर आए थे, तो बिलीव मी अब जैसे यहाँ पे है एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है आपके, ठीक है, दोनों का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी क्लास की जो है आपकी सबमरीन से सब कुछ डाल दिया यहाँ पे। ये आपके जो है थर्ड के ऊपर इसमें सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है, S-400 की कहाँ से हमने लिया है, किस कंट्री ने उसको डेवलप किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर आपका आ चुका है, मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया के अंदर उनके ऊपर आ चुका है। अभी सीडीएस के अंदर आपसे अग्नि 5 के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, वो भी हमने जो इसमें कवर किया है। सेम जो चीजें हैं आपकी सीआरपीएफ सीएपीएफ सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह जो जो है सबको कवर किया है, साथ में आपको इकोनॉमिक्स को कवर किया है, साथ में आपका इसी बुकलेट में एनवायरमेंट को भी कवर किया है विद ब्यूटीफुली डायग्राम्स। ये देखिए अभी सीडीएस के अंदर जाके देखो, जिस बच्चे ने सीडीएस दिया उनको इनकी वैल्यू पता होगी। डेज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे उसमें था,
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उसके अंदर था, तो मैच द फॉलोइंग था, दे रखा है आपका यहाँ पे, ठीक है। फूड वे पैरा जो है आपके प्राइमरी सक्सेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। इवन हमने इसमें लेटेस्ट डेटा, विश्वास नहीं करोगे, मैंग्रोव का इसमें लेटेस्ट डेटा हमने डाला है, ठीक है। ब्लू फ्लैग बीचेस अभी जो है टोटल यहाँ पे आप देखोगे वो सारे हमने लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर डाला है। कोरल रीफ का एक जगह डेटा विद मैप आपको पूरे बुक्स में किसी में भी नहीं मिलेगा। मैंने प्रॉपरली ये देखो हाथ से डिजाइन करके डाला है, दिख रहा है आपको स्टडी फंडा महाराष्ट्र कौन सा जो है कहाँ कहाँ पे कोरल क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको इन बुक्स के अंदर मिलेगा। उसके बाद ज्योग्राफी, वन ऑफ द बेस्ट एंड माई फेवरेट, इतनी मेहनत हमने इसके अंदर की है। सब कुछ जो चीजें आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हर एक चीज आपको इनमें मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी आपको बहुत सारे डाटा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। पासिस हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं माउंटेन पासिस के ऊपर, ये देखो सारे पासिस हमने इसमें एक जगह दे दिए आपके, ठीक है। मैप्स देखो, ये वाला मैप जो है पासिस का है, गारंटी है मैप पासिस से कोई क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। भाभर तराई के ऊपर है, कितना ब्यूटीफुली डायग्राम डिजाइन करके दिया है आप, ये देख लो, ठीक है। इससे बेटर और क्या चाहिए आपको, आ जाओ, ठीक है, और दिखा देता हूँ। अंडमान निकोबार से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा इस स्लाइड से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, कहीं पे भी आपको ये वाला डायग्राम किसी भी एटलस में, किसी भी मैप की बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने इसको डिजाइन किया है। आप देख सकते हो हर एक चीज, एक्सट्रीम मतलब पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट नेशनल, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो डाटा कंपाइलेशन जो है ना वो आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से मैंने किया है। कई बार पूछ लेते हैं रिवर की लेंथ कितनी है, उसका सोर्स क्या है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसमें कौन कौन से चल रहे हैं, इसके ऊपर अभी एनडीए के अंदर पूछा था आपका देवप्रयाग के ऊपर कि कौन कौन सी रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है जी। चलो उसके बाद इनमें आप देखोगे ये आपको एक जो है यहाँ पे हमारी तरफ से एक मोटिवेशन मिलेगा, तुम अफसर बन रहे हो और जेन्युइनली तुम बन रहे हो, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। चलो उसके बाद आपको स्पेसिफिकली जो है 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना ब्यूटीफुली हमने सारा कंटेंट इसके अंदर डाला है। आप गो थ्रू दीज नोट्स एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस सीपीएफएससी एग्जामिनेशन। टोटल समवेयर अराउंड 580 के आसपास ये पेजेस हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी एनसीईआरटीज वगैरह को कवर किया है इजिली आप इनको 14-15 दिनों में बहुत प्यार से जो है कवर कर सकते हो। और बिलीव मी जब आपका एग्जाम आएगा, क्वेश्चन पेपर जब आएगा, उसके बाद में प्रॉपरली डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा और ये वाली वीडियो जो मैं अभी बता रहा हूँ इसका भी कुछ क्लिप्स उसमें डालूंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ यार सर सही कह रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, जिन लोगों को इन नोट्स को परचेज करना है जाइए स्टडी फंडा ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।